गोकुल बैराज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मथुरा से गोकुल धाम पहुंच गए हैं। मथुरा से गोकुल धाम जा रहे हैं। हाँ, गोकुल धाम जा रहे हैं। मासी कृष्ण जी ने जहाँ वो करा खेले, मतलब भाई अपने अपना बचपन जहाँ उन्होंने व्यतीत किया, कृष्ण वासुदेव जी छोड़ के आए थे ना उन्हें अपने उसमें सर पे बिठा के छप्पर से मैं लेके छोड़ के आए थे। वहाँ से हम उनको देखने जा रहे हैं। मैं पहली बार जा रही हूँ वहाँ, तो पहले कभी नहीं गई। गाइड को साथ लेंगे, फिर हमको सारा आपको भी सारा दिखाएंगे और गाइड की आपको बातें सुनाएंगे। दोस्तों, अभी हम सब लोग मथुरा से गोकुल धाम पहुँचे हैं, जहाँ पर कृष्ण जी का लालन पालन हुआ था। तो वसुदेव जी जो मथुरा से उनको सूप में बैठा के कृष्ण जी को लेके आए थे, जमुना उफनती हुई जमुना थी, उसको पार करते हुए आए। तो जमुना ने एक बार उफान लिया, वो एक्चुअली जमुना जी और कृष्ण जी के पैर छूना चाहती थी। जब उफान पानी का ज़्यादा आया, जब कृष्ण जी के पैर छू लिए जमुना ने, तो जमुना शांत हो गई। तो वासुदेव जी जो लेके आए थे कृष्ण जी को यहाँ गोकुल में, उनका लालन पालन यहाँ पर हुआ। वो 11 साल 52 दिन कृष्ण भगवान यहाँ गोकुल में रहे। हम वो मंदिर देखने जा रहे हैं, उनका लालन पालन कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ था। राधे राधे कृष्ण भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, यमुना महारानी की जय, अपने माता पिता की जय, जय श्री। ये देख रहे हो ना, इस कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। जब भगवान कृष्ण बलराम 6 दिन के हुए, तो यशोदा मैया ने छठी के कपड़े इसी कुंड में धोए थे। गोकुल गांव में ऐसी परंपरा हो गई, आज भी जो कोई बच्चा जन्म लेता है इसी कुंड में। ये देखो, एक कदम का वृक्ष इस पार है और एक उधर और दो उस पार। यहाँ बैठ के भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, नाम पड़ा बंसीमाला। यहाँ से आपका यात्रा शुरू होगा और इधर ही आके खत्म होगा। माता लगाना 3 बार, गुरु माता पिता। यहाँ से माता लगाइए और सबको एक साथ चलना लगाओ। बलदाव जी महाराज की जय, नंद बाबा की जय। ये यशोदा का घर है, मंदिर नहीं है। मंदिर तो आपको मथुरा वृंदावन के अंदर मिलेगा। ये यशोदा का घर है, जन्म जेल में होगा भगवान का, वहाँ से लेके आए बसदेव जी, जमुना को पार करके ये रूप से टोकरा में रखे और यहाँ छुपा गए। लड़की हुई योग माया, बदल के मथुरा ले गए। कंस ने मारा तो आकाशवाणी हुआ, पापी कंस उसको क्या मारता है, तेरे मानने वाला गोकुल में झूला में झूल। अभी अंदर चलेगा ना मेन मंदिर में, तो बात का ध्यान रखना, कोई लोग खड़े होकर दर्शन नहीं करना। भगवान या छोटे हैं आप लोग या बड़े हैं, खड़े होकर दर्शन करने से शरीर का परछाई लगता है भगवान के ऊपर, अपना लगता है। कोई वस्तु यहाँ फेंकना नहीं, रुपया पैसा खोल चुका है यहाँ नहीं चढ़ता। या तो भगवान को भोग लगता है माखन और मिश्री का, मन है शक्ति है भक्ति है तो भोग लगाना। शक्ति भक्ति नहीं है तो नमस्कार करें, कोई टैक्स नहीं है, कोई बंधन नहीं। यहाँ आने का 2 महत्व है, पहला तो भगवान को बुलाएंगे मंदिर के आनंद और देख कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी देख कन्हैया लाल की। दूसरा मक्खन मिश्री का भगवान को बोलो, सब लोग बोलो राधे 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 राधे। ऊंचे हाथ करो सब लोग, हंसो आ हा जैसे नहीं आनंद से हंसो आ हा। बैठे तो घर जाके बसते हैं। राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। कृष्ण जी के बड़े भाई जो राम अवतार में लक्ष्मण थे, 14 वर्ष वन में रहे, भगवान राम ने बचन किया। कृष्ण अवतार हुआ तो बड़े भाई बलदाव जी, बलदाव जी महाराज की जय। नीचे बलदाव जी धर्म पत्नी रेवती माता जोड़ा का दर्शन, यशोदा फोटो ले लो, फोन जमा हो जाएगा तुम्हारा। ये नंद
नंद बाबा का घर है ये, जिसमें नंद बाबा और यशोदा माता रहती थी, कृष्ण जी ने जहाँ अपना बचपन व्यतीत किया है। देखो जहाँ दोस्तों, हम यहाँ प्रेम मंदिर में आए थे, बहुत अच्छा लगा के, पर लेट हो गए, हमने ज़्यादा नहीं देखा, कुछ भी देख पाए, जो आप जो हम देख पाए वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। सदस्यता लेकर आ सकता है।